हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं प्राची, वेग वेद प्राची में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज जा रही हूँ बनाने ये हार्ट शेप का केक, जो कि मैंने जिसमें ग्लेज आइसिंग की हुई है। मोस्टली मैं हार्ट शेप का केक सर्कल के टीन में ही बनाती हूँ, केक टीन में, और फिर उसको बाद में क्रम कोटिंग के बाद मैं उसको कट करके इस तरह से सेट कर देती हूँ, जो कि हार्ट शेप में हो जाता है। और मुझे ये थोड़ा सा शेप डोम में चाहिए इस हार्ट शेप का, तो मैं इसको साइड साइड से ट्रिम कर लूँगी, ताकि जब मैं डोम करूँ तो उसमें एक्स्ट्रा जो बेस आता है वो ना आए। अंदर की आइसिंग पहले से कर चुकी है, इसमें मैंने फ्लेवर दिया है कसाटा फ्लेवर, जो कि मैं पहले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। और इसमें क्रम्बल कोटिंग करने के बाद मैंने इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद मैंने फिर उसको निकाल के और ये मार्क करने के बाद मैंने इसको अच्छे से कट किया है, ताकि मेरा हार्ट शेप बिल्कुल प्रॉपर आए। उसके बाद मैं इसको क्रीम से कवर करने के बाद इस स्क्रैपर लूँगी, जो कि चाइनीज़ स्क्रैपर जिसको बोलते हैं, उस स्क्रैपर से मैं इसको साइड से क्लीन कर लूँगी। आप देख सकते हो कि ये शेप मेरा कैसा आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हो। मैंने इसमें ऊपर से ग्लेज आइसिंग करने के लिए न्यूट्रल जेल लिया हुआ है, जिसमें मैंने जेल कलर डाला है रेड कलर का, और उसको मिक्स कर लिया है। मैंने जेल को पहले से ही रेडी करके रख लिया था, क्योंकि मैं आइसिंग करने के तुरंत बाद ही जेल को यूज़ में लाऊंगी। मैं इसको अच्छे से चारों तरफ से क्लीन कर लूँगी। ऐसे तो नॉर्मल सर्कल में डोम शेप देना आसान होता है, बट ये हार्ट शेप में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, जिसको क्लीन करने में थोड़ा टाइम लगा मुझे। जेल मुझे ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, तो इस तरह से ये फ्लोइंग होना चाहिए। और ये मैंने जेल कलर जो यूज़ किया है आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से पूरा मैंने पोर कर दिया, और फिर इसको पहले पैलेट नाइफ से चारों तरफ फैला दिया, और जहाँ जहाँ भी ये नहीं पहुँच पाया था जेल, वहाँ सब जगह अच्छे से मैंने इसको कवर कर दिया। फिर उसके बाद मैंने ब्लैक कलर पाइपिंग बैग में लिया, और उसको मैंने ऊपर से डाल दिया। और दो मैंने पहले से ही हार्ट शेप के चॉकलेट्स बना के रखे हुए थे, जो कि मैंने इसे गार्निशिंग में यूज़ किया। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बहुत सारी जानकारियाँ पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचती रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।